सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग मेरी की तरफ से आने वाले लेटेस्ट नेक बैंड के, जिसका नाम है कॉलर D25। जो नेक बैंड आपको लगभग 1000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसको आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। इसका बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे हमें इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या इस प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन हो पाता है या नहीं। इस वीडियो में इसका एक गिव अवे भी होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ इस तरह से हमें इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। फ्रंट पे इसका कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है, एंड बैक साइड की अगर मैं मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर HD स्टीरियो लॉसलेस साउंड देखने को मिल जाती है। MEMS माइक इसमें आपको देखने को मिल जाता है, एंड फास्ट चार्जिंग यानी कि टाइप सी का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपको इसकी इनर पैकेजिंग जो है वो देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर इसका जो वारंटी कार्ड है वो देखने को मिल जाता है, एंड आफ्टर दैट वी हैव इट्स यूजर मैनुअल, जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो। कीपिंग दिस असाइड, अब देखते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट को, जो कि हमारा नेक बैंड। कुछ इस तरह से हमें जो नेक बैंड है देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसके जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड लास्टली एक टाइप सी चार्जिंग केबल इसमें प्रोवाइडेड है। तो इन सबको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट यानी कि कॉलर D25 को। कुछ इस तरह से हमें जो नेक बैंड है देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो आपको यहाँ पर ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है, एंड इसका ये जो मेन नेक वाला एरिया है ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल का यहाँ पे यूज किया गया है। आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इसमें कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर मीवी का लोगो लगा हुआ है, एंड यहाँ पर इसका जो मेन कंट्रोल पैनल है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप इसे पावर ऑन कर सकते हो, प्लस और माइनस का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। चार्जिंग की बात की जाए तो इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर काफी फास्ट चार्जिंग भी हो जाती है इसके थ्रू। इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी वायर आपको देखने को मिलती है। हल्की सी ब्रेडेड भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, एंड यहाँ पर राउंडेड वायर का यूज किया गया है, कोई फ्लैट वायर आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ईयरबड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग लिखी हुई है। मैग्नेटिक सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। मैग्नेट की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ ज्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं है, बट काफी एक ठीक ठाक सा मैग्नेट देखने को मिलता है, एंड फिटिंग भी इनकी काफी ज्यादा अच्छी है। काफी ज्यादा अच्छे से कान में फिट हो जाते हैं, कोई भी इश्यूज नहीं होते। काफी लाइट वेट होने की वजह से ये जो ईयरबड्स हैं आपके कान में से गिरते भी नहीं है, तो फिटिंग वगैरह के मामले में मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। तो अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसे अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, एंड इसके जितने फीचर्स हैं उन्हें किस तरह से यूज कर सकते हो। फर्स्टली तो आपको अपने स्मार्टफोन के यहाँ पर ब्लूटूथ को जो टर्न ऑन कर लेना है, एंड जैसे आप इसमें न्यू डिवाइसेस में जाओगे आपको यहाँ पर मीवी कॉलर D25 देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, पेयरिंग रिक्वेस्ट जो है स्मार्टफोन के अंदर आ जाएगी, और अभी ये जो नेक बैंड है स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। सरप्राइजिंगली इसमें आपको कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि AAC कोडेक है, जो SBC कोडेक है, जो मोस्टली नेक बैंड जो देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो अगर म्यूजिक प्लेबैक की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आप इसके कंट्रोल देख सकते हो। जैसे आप मेन बटन को यहाँ पर प्रेस करोगे तो सॉन्ग आपका प्ले होना शुरू हो जाएगा, एंड प्रेसिंग दिस अगेन जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है सिंपली प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, एंड वॉल्यूम डिक्रीज के लिए आपको नेगेटिव वाले बटन पे क्लिक करना है। बटन्स की क्लिकेबिलिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी यहाँ पर। नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए प्लस वाले साइन को आपको दबा के रखना है 2 सेकंड्स तक, और नेक्स्ट सॉन्ग जो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो इनके जो म्यूजिक प्लेबैक फंक्शंस हैं वो काफी इजीली वर्क करते हैं। तो भी बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस मुझे इनमें काफी सही लगा। इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे की हुई है। ट्रेबल्स वगैरह काफी अच्छे से एडजस्टेड है, एंड बेस को जब वो ओवर पावर नहीं होने देते हैं, ये मुझे काफी ज्यादा सही चीज लगी। म्यूजिक लिसनिंग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनमें देखने को मिलती है, एंड साथ के साथ इसमें अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो तो डायलॉग क्लैरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इसमें आपको लगभग 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी। काफी सरप्राइज हुआ मैं इस चीज से, बिकॉज इस प्राइस रेंज में जितने भी नेकबैंड आते हैं इतनी ज्यादा बैटरी बैकअप देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, एंड इसके अंदर जो बैटरी ड्रेन है वो काफी ज्यादा कम है। इसकी बैटरी काफी अच्छी चलती है। अगर मैं अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो 1000 रुपए के अंदर काफी ज्यादा एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी जिसके अंदर मैंने जितने भी नेक बैंड्स हैं अच्छे 1500 के अंदर या 1000 रुपए के अंदर उनका एक कंपैरिजन किया था, वो आप देख सकते हो, उससे आपको काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये नेक बैंड भी काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकते हैं आपके लिए इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके गिव अवे के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आपको मुझे फॉलो कर लेना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।